स्वागत है आपका। प्रदेश भर में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से। परिवहन मंत्री जवाहर सर्कल से साइकिल रैली के साथ इसका शुभारंभ करेंगे। नुक्कड़ नाटक, मोटरसाइकिल, विंटेज कार रैली समेत कई आयोजन होने हैं। बड़ी खबर, शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य रक्षा के संदेश के साथ निकाली जाएगी साइकिल रैली। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी रैली में साइकिल चलाएंगे। जवाहर सर्कल से वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित उद्यान तक ये रैली निकाली जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में एनजीओ देंगे नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर आयोजित हो रहा है ये सप्ताह और विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बड़ी खबर, प्रदेश भर में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से इसका शुभारंभ हो रहा है और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज करेंगे। खुद भी साइकिल चलाएंगे और पहले भी प्रताप सिंह खाचरियावास चूंकि परिवहन मंत्री हैं, साइकिल चलाकर पर्यावरण सुरक्षा और अच्छी सेहत का यानी कि सेहतमंद रहने का जो मैसेज है वो प्रदेश की आवाम को समय समय पर देते रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जब प्रदेश भर में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है तो इस मौके पर भी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साइकिल चलाएंगे और साइकिल चलाकर संदेश देंगे स्वस्थ रहने का और पर्यावरण को बचाने का। उद्घाटन कार्यक्रम में एनजीओ नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति होगी और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बताया जाएगा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है और यही थीम है इस बार 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से इसका आगाज हो रहा है। काशीराम चौधरी इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। काशीराम, 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुभारंभ आज से हो रहा है और क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से सड़कों पर जब चले वाहन चलाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ मापदंड हो, किस तरीके की तैयारी हो, इसको लेकर आज ये पूरा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आप इस वक्त जहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं वहाँ पर क्या नज़ारा देख पा रहे हैं? जी अनु, बिल्कुल। देखें, 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है और इसका उद्घाटन जो कार्यक्रम है ये जवाहर सर्कल पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर परिवहन विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांद्रा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, साथ में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीसीपी ट्रैफिक पूजा हवाना, परिवहन विभाग की एडिशनल कमिश्नर मनीषा अरोड़ा, आरटीओ कल्पना अग्रवाल और जो तमाम अधिकारी हैं जुड़े हुए, जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सभी अधिकारी हैं, धीरे धीरे करके एक एक पहुंच रहे हैं और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का फिलहाल इंतजार हो रहा है। वो अगले कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर पहुंचने वाले, कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल अलग अलग एनजीओ के लोग यहाँ मौजूद हैं, स्काउट गाइड जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और एक विंटेज कार रैली यहाँ निकाली जाएगी, साथ में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी जागरूकता के लिए कि किस तरह से आमजन ट्रैफिक नियमों का पालन करे, किस तरह ट्रैफिक नियमों को अपने दिनचर्या में शामिल करे जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, कम किया जा सके। तो यहाँ पर सभी तरह के उद्घाटन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और देखिए अलग अलग तरीके की जागरूकता की गतिविधियां यहाँ पर की जाएंगी जिनमें कि नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर प्रस्तुत होगा जिसके कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है वो शुरू हो जाएगी और सप्ताह भर के दौरान पूरे दौरान और जो गतिविधियां हैं सड़क सुरक्षा की वो की जाएंगी। देखिये ये जो यमराज के रूप में अपने को हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं कि वाहन चलाते समय आप इन चीजों से दूर रहें, तो ये एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं कि अगर आप वाहन चलाते समय असावधानी बरतेंगे, शराब का सेवन करेंगे, मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो आप यमराज के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के सड़क सुरक्षा का संदेश देने की यहाँ पर तैयारी की गई है। अलग अलग जो टीमें हैं एनजीओ की वो यहाँ पर मौजूद हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गतिविधियां की जाएंगी। बिल्कुल काशीराम, ये जो कुछ जो लोग खड़े हैं जो यमदूत की शक्ल में जो लोग खड़े हैं उनसे जरा बात करिए कि वो जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है, पहले भी कई बार हुआ और खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस मामले को लेकर काफी सजग और जागरूक करते रहे हैं, तो ऐसे में जो मैसेज देने की आज कोशिश हो रही है उसमें क्या कुछ संदेश रहेगा और उसका असर कितना वो देखते हैं? जी अनु, बिल्कुल। देखिए हम प्रयास करेंगे बातचीत करने का उन लोगों से। आप इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में किस तरह का संदेश दे रहे हैं? हम दे रहे हैं तेज गति और
जो भी परिवहन चलाते हैं अपन उसको बहुत आराम से चलाइए, क्योंकि तेज गति है जीवन की सटी। आप क्या संदेश दे रहे हैं सड़क सुरक्षा के लिए? हम दे रहे हैं गलत ओवर टेकिंग के लिए जो लोग वाहन चलाते हैं वो हमसे बच के रहें, क्योंकि हम उन्हें अपने पास बुला लेंगे, तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। तो देखिए ये जो यमदूत बने हुए हैं फिलहाल यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे और उन सबका संदेश यही है कि ओवरटेकिंग नहीं करें, गलत साइड में गाड़ी नहीं चलाएं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करें वाहन चलाते समय, शराब नहीं पिए, तो इन सब ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ये सब ये संदेश यहाँ पर देंगे। और बड़ी बात यह है अनूप कि यहाँ जो कार्यक्रम होगा परिवहन मंत्री खुद उसको लीड करेंगे, एक साइकिल रैली यहाँ पर जागरूकता के रूप में निकाली जाएगी, ये रैली जवाहर सर्किल से रवाना होगी और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने जो गार्डन है वहां तक निकाली जाएगी, उसको खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लीड करेंगे, जिस तरह की वो पहले से भी संदेश देते रहे कि घर से अपने और आमतौर पर सचिवालय तक वो साइकिल से जाते हैं, साइकिल पर जाते हैं और इस तरह की कई तस्वीरें काशीराम हमने भी देखी है। लेकिन एक सवाल मौजूद ये है कि अक्सर जो है जागरूक किया जाता है, तीसवां सड़क सुरक्षा सप्ताह ये भी मनाया जा रहा है और लोग जानते भी हैं कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाएं तो मोबाइल फोन पर बात ना हो, लेकिन ये सब कुछ होता है बावजूद इसके कि हम जानते हैं, इसकी क्या वजह आप समझ पा रहे हैं और लोगों से अगर संभव हो तो जरा बात करिए कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग इतने अनजान क्यों रहते हैं? देखिए लोग जागरूकता के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ मोटर ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा जी, सर किस तरह से जागरूक करेंगे आप इसमें सप्ताह के दौरान? एक्चुअली पूरे सप्ताह के दौरान ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन पूरे राजस्थान में अपने मैस्कट बाबा साहब के जरिए, क्योंकि बाबा साहब राजस्थान में एक रेस्पेक्टेड आइकॉन है, इसके जरिए हम पूरे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने जो वेशभूषा पहनी हुई है अभी फिलहाल इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ये बाबा साहब, मैं बोल रहा था कि ये एक रेस्पेक्टेड आइकॉन है राजस्थान के लिए, तो हम इसके जरिए लोगों को समझाएंगे कि बाबा साहब कह रहा है कि भाई यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पे सुरक्षित रूप से चलें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, तो इसलिए हमने ये मैस्केट जो है इसका रूप लिया है। तो अनूप जी देखिए यहाँ इन्होंने लाठी ले रखी है हाथ में और बाबूसा की ड्रेस पहनी हुई है और इनका उद्देश्य यही है कि जब सड़क पर वो निकलेंगे तो इस तरह से समझाएंगे कि लाठी के जरिए, यानी एक बाबूसा जो रेस्पेक्टेड माने जाते हैं राजस्थान की पृष्ठभूमि परंपरा में, और यहाँ पर बहुत सारे स्कूली बच्चे भी हैं, बेटा आप जानते हैं सड़क सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सड़क मतलब जैसे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, उन सबको अपनी लिमिट स्पीड को लिमिट में रखना और सड़क पे आराम से चलना। तो देखिए बच्चों को भी, स्कूली बच्चे जो हैं स्काउट गाइड के रूप में जो यहाँ हैं उन सबको भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी है और वो यहाँ पर लगातार जागरूक करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल काशीराम, कुछ और लोगों से संभव हो तो जरा इस बात को समझिए कि जागरूकता तो सभी के अंदर है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच गए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज से प्रदेश भर में तीसवां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, आगाज आज से होना है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच चुके हैं। इससे बात करने का एक बार प्रयास करेंगे, मंत्री जी आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज आज कर रहे हैं, किस तरह से गतिविधियां होंगी, पूरी गतिविधियां होंगी? देखिए सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार ने कानून बना रखे हैं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, वो भारत का नागरिक हो, राजस्थान का नागरिक, जयपुर का नागरिक, गांव कस्बे का नागरिक, परिवहन रूल्स को मानेगा तो खुद भी सेफ रहेगा और देश में आम आदमी को जब सुरक्षा मिलेगी तो देश मजबूत होगा। हम सिर्फ इसलिए मात खा रहे हैं कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, कोई आदमी बिना हेलमेट लगाए चलता है, एक्सीडेंट होता है, यदि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए, हेलमेट से अपना बचाव कर सकता है, गाड़ी चला रहा है मोबाइल पे बात करते हुए चला रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, और नया काम हुआ सड़क क्रॉस कर रहा है, पैदल जा रहा है तो कान में ईयरफोन लगा के जा रहा है, आप आदमी का एक्सीडेंट हो गया डर रहा है उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है, हालात हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब हालातों को सुधारें और रूल्स का को फॉलो करें, जितना रूल्स को हम फॉलो करेंगे उतना बड़ा संदेश जाएगा। मेरा ये मानना है कि सड़क सुरक्षा में हर घंटे में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है। आप साइकिल रैली भी निकालते हैं, घर से आप रवाना होते हैं, सचिवालय तक जाते हैं, आज साइकिल रैली को भी लीड करेंगे आप? बिल्कुल, अभी मैं साइकिल चलाऊंगा और मैं ये मानता हूँ जिस ढंग से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसमें रूल्स को फॉलो करना सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है, सिर्फ सरकार सड़क सुरक्षा के लिए अकेले काम करके सड़क को सुरक्षित नहीं कर सकते, हम सब मिलकर सड़क की सुरक्षा करेंगे और हम अपने आप को सुरक्षित तब रख पाएंगे जब रूल्स को फॉलो करेंगे, कानून को मानेंगे, तो सबको कानून की पालना करनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में 4 तारीख से 10 फरवरी तक जो चलेगा 7 दिन,
उसमें सब लोगों तक हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। उस समझाइश के जरिए सड़क सुरक्षा होगी तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर राजस्थान को, देश को मजबूत करेंगे। 7 दिन का सड़क सुरक्षा सप्ताह है, लगातार अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे संदेश देने के लिए, समझाइश के लिए, और वो काम हमने शुरू किया है। अभी आज मैं साइकिल चलाऊंगा। इसके अलावा रोज जिस ढंग से हम हेलमेट लगाने के लिए, मोबाइल पर बात नहीं करें गाड़ी चलाते हुए संदेश देने के लिए, सड़क में कोई घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करने के लिए, लाल बत्ती पर रुकने के लिए, सब संदेश हम देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और वो ही एक कामयाब। ये महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक रैली भी आ रही है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक रैली आने वाली है, दिल्ली से रवाना हो रही है उसको। वो आज शाम को 4 बजे आ जाएगी, मैं खुद उनका सम्मान करूंगा और सब लोग मिलकर, और हमारा ये सबका लक्ष्य है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, तो अब पूरे समाज का काम है सड़क सुरक्षा। तो परिवहन मंत्री जी का कहना है कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम है, हम सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी को अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी और जागरूकता के अभियान में इसमें शामिल होना होगा। बिल्कुल, बने रहिए आप काशीराम हमारे साथ। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साफ तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में दरअसल लोगों को भी जागरूक होना होगा, और ये 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है, ऐसे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, और संदेश साफ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोग ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उनका जो जीवन है वो कितना अनमोल है। फरवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान की सरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू कर रही है। आप जानते हैं हर घंटे सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की डेथ होती है, ये डेथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में माँ बहन बेटी के लिए परेशानी का सबब बनती है। हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा तो देश मजबूत होगा। जरूरत इस बात की है कि हम सब की सुरक्षा तभी होगी जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। परिवहन विभाग के नियम कायदे कानून बने हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति हेलमेट लगाकर चले, अपने आप को सेफ करे, बेवजह की फैशन में नहीं पड़े। कोई भी व्यक्ति सड़क क्रॉस करे, कहीं भी जाए, तो कान में ईयरफोन लगाकर सड़क क्रॉस ना करे, एक्सीडेंट होता रहता है। मोबाइल लेकर हाथ में कार ना चलाएं, एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है। कहीं कोई व्यक्ति घायल हो गया तो उसको अस्पताल पहुंचाएं, डरे नहीं, ऐसा कानून में कुछ भी नहीं है कि आप डर रहे हैं आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें, लाल बत्ती हो गई है तो रुकें, ट्रैफिक के रूल्स बने हुए हैं लेकिन रूल्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं ये मानता हूं कि रूल्स को फॉलो करने के लिए, उनको समझाइश के लिए हमने ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हमेशा करते हैं। आज 7 दिन का ये सड़क सुरक्षा सप्ताह परिवहन विभाग द्वारा शुरू हो रहा है, सब पूरे सरकारी डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का भी संदेश आया है, हम सब मिलकर हमारे सब लोगों को सेफ कर पाएं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें, कहीं कोई घायल मिले तो उसको अस्पताल पहुंचे। हम सबकी जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब हम रूल्स को फॉलो करें। बिल्कुल करेगा, हमने सैनिक कल्याण विभाग इस काम को जारी हमने शुरू किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि डिफेंस सर्विसेज को लेकर एक कोर्स प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाए, जिसमें डिफेंस में हर मेडल कैसे मिलता है, डिफेंस में कैसे आप भर्ती डिफेंस में कैसे आ सकते हैं, डिफेंस में कैसे आ सकते हैं, डिफेंस के रूल्स फॉलो करना, डिफेंस में के प्रति लोगों में जागृति लाना, इसके लिए कैसे युद्ध लड़े गए, वो सारा एक कोर्स हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं जो जल्दी आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। देखिए, राजस्थान रोडवेज को लेकर एक बड़ा रोड मैप मैं तैयार कर रहा हूँ, हमारा विभाग तैयार कर रहा है, और जल्दी आपको राजस्थान रोडवेज में नया काम नजर आएगा। हम तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान रोडवेज को कैसे ठीक किया जाए, रोडवेज में नई बसें कैसी लाई जाए, एक रोड मैप हम बड़ा तैयार कर रहे हैं। जब तक वो पूरा तैयारी नहीं हो जाए मैं अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन रोडवेज को लेकर हम बड़े चिंतित हैं, वो आपको काम नजर आएगा।